यह हल्ला बोल है प्रजापति समाज का। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर इस समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन और हल्ला बोल की वजह भी जान लीजिए। दरअसल आरक्षण और अपने हक के लिए प्रजापति समाज का कूच था दिल्ली के जंतर मंतर के लिए, जिसके लिए प्रजापति समाज के लोगों ने मेरठ से दिल्ली तक की यात्रा निकाली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेड्स करके उनकी इस यात्रा को रोक दिया, जिससे समाज के लोग भड़क उठे और बॉर्डर पर ही जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले समाज के गुस्से की असल वजह सुनिए, उनके हल्ला बोल का कारण और इनकी मांगे सुनिए। हम लोग 28 तारीख की सुबह निकले हैं मेरठ से। हमारी 3 दिन की यात्रा, 2 दिन और तीसरा दिन है। लगातार 80 किलोमीटर हम पैदल चल चुका है मेरा समाज। अपने गधे घोड़े टांगों से लेकर हम यहाँ से चले हैं, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जाति को अनुसूचित जाति के लाभ दिए जाए। हमारी जाति की जनगणना जो ये लोग शून्य बताते हैं, हमारी वो गिनती करके बताए कि हम कितने लोग बसते हैं, और हमें जंतर मंतर पर ज्ञापन देने जाना है। कम जनसंख्या से इनके कान नहीं खुले 75 सालों में। आज तक ये बहरी गूंगी सरकार है, ये चाहती है कि हम भी जो लोग और करते हैं कि रोडों पर निकल कर अपनी गिनवाते हैं, ये चाहते हैं कि ये भी सीधा साधा समाज रोड पर आ जाए। ये रोड पे बुलाया है इन सरकारों ने हम लोगों को। हम राजनीति में शून्य है, हम नौकरियों में शून्य है, हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं है, हम बिल्कुल जीरो, ये लिखते भी जीरो हैं। आज गिनती कराने इसलिए तो आए हैं कि हम जीरो हैं या हीरो हैं। एक भी लोकसभा में आज तक एक टिकट नहीं दे पाए ये लोग। क्या हम ये ऐसी कोख से पैदा हुए हैं कि जहाँ बिल्कुल अपंग कोख से पैदा हुए हैं? क्या हम लोग, हमारा विनाश कर दिया इन पार्टियों ने, हमें बर्बाद कर दिया, शून्य बता दिया ना, शून्य। हमारे जो इस पार्टी में राजनीति करने वाले लोग उनको, उनसे दुश्मनी रखते हैं लोग, उन्हें शून्य का रखा पार्टी के नाम पे, तो उनको बंधवा मजदूर रखते हैं, उन्हें देने के नाम पे कुछ नहीं है। 27% का आरक्षण है, हम लोगों को 1% ही दे रहे हैं लोग। प्रजापति उत्तराखंड राजद अध्यक्ष मानमोहन राय, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, हम जनता मंदिर में जाना चाहते हैं, और हमारी मांग है एक गांव में अगर एक प्रजापति भी है तो उसे पक्का दिखा बर्तनों का मिलना चाहिए, और आधुनिक उपकरण की मशीनें और पत्ती भट्टी उन्हें पूरी छूट में मिलनी चाहिए। अभी हमारा जो यहाँ के सिटी है उनसे बात हुई है, उनसे गाड़ी लेगा लोगों और अपनी गाड़ियों से हम जंतर मंतर जाएंगे। तो सुना आपने, अनुसूचित जाति में शामिल करने और जातीय जनगणना समेत राजनीतिक हिस्सेदारी समेत कई मांगे हैं इनकी, और ये बीजेपी सरकार की नींव को हिलाने तक की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों पर सवार होकर पहुंचे इन प्रदर्शनकारियों की वजह से पूरी रोड जाम हो गई, और ये पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया। इनकी बेसिक मुद्दा था कि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांग रहे थे बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन सेंसस, ये मुद्दा था उनका। तो मैडम अभी परमिशन दी गई है, कितने लोग जा सकते हैं वहाँ पर, कितने लोगों की परमिशन मांगी? उनको जाना था जंतर मंतर जो है प्रोटेस्ट साइट दिल्ली का, तो वहाँ जाने के लिए उनका प्लानिंग था, तो हमने उनको अलॉट किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, इतनी देर से ये लोग यहाँ पर लाउड स्पीकर से नारेबाजी कर रहे थे, क्या पहले अनुमति नहीं दी जा सकती थी? नहीं, ये अनुमति नहीं था कि वो घोड़ों का कार्ट लेके जाएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे, ये अलाउड नहीं है दिल्ली में, तो हमने उनको बैरिकेड लगा के रोक दिया था। अभी कैसे ये लोग दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हैं? अपने अपने गाड़ियों में जा रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कैसे प्रजापति समाज सियासी तौर पर बड़ी अहमियत रखता है। दरअसल यूपी में प्रजापति समाज ओबीसी में आता है, ओबीसी वर्ग की जातियों में अति पिछड़ा वर्ग में ये आते हैं, जिसकी सियासत सभी दल आजकल कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समय में प्रजापति जाति को अनुसूचित जाति वर्ग यानी कि एससी में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई कि जातियों की कैटेगरी में बदलाव का अधिकार केवल केंद्र को है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अभी यूपी में प्रजापति जाति ओबीसी में है और इसका एक धड़ा अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। यूपी में प्रजापति जाति के धर्मवीर प्रजापति मंत्री हैं और यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे हैं।
यानी कि बीजेपी के लिए ये वोटर बहुत अहम है। वहीं अखिलेश यादव भी इस वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अक्सर शांत रहने वाले प्रजापति समाज का ये हल्ला बोल क्या सियासी समीकरणों को बदल कर रख देगा? क्या बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है? और क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को मिल पाएगा? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।